माँ के इस बिहेवियर पर प्रिया अभी तक शॉक्ड थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ की प्रॉब्लम क्या है, उन्हें ईला मैम से क्या परेशानी है और माँ उनके लिए ऐसा क्यों कह रही है कि वो एक खराब औरत है। तभी नीना किचन में से कॉफी लेकर आई। रागिनी को वहां ना देखकर उसने प्रिया से पूछा, माँ कहाँ है? प्रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अपने रूम में चली गई, शायद मुझसे फिर से नाराज हो गई हैं। नीना ने कॉफी वहीं टेबल पर रखते हुए कहा, फिर तो अब कॉफी भी नहीं पिएंगी। बट प्रिया यार, तुझे भी कुछ सोचना चाहिए, मॉम से ऐसी बातें क्यों कहती है कि उन्हें तकलीफ हो? प्रिया ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं यार नीना, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं तो बस उन्हें ईला मैम के बारे में बता रही थी कि अचानक मॉम का बिहेवियर एकदम से रूड हो गया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ईला मैम से दूर रहूं, वो एक अच्छी औरत नहीं है। नीना को प्रिया की ये बातें समझ में नहीं आई। उसने पूछा, कौन ईला मैम? प्रिया ने जवाब दिया, हमारे प्राइमरी स्कूल की टीचर हुआ करती थी, शी इज सच अ स्वीट लेडी, पता नहीं मॉम को उनसे क्या दिक्कत है। ये सुनकर नीना ने मन ही मन कुछ सोचते हुए कहा, प्रिया कहीं ये ईला मैम का कोई कनेक्शन डैड से तो नहीं है? प्रिया ने चौंकते हुए पूछा, व्हाट, ये कैसे हो सकता है और तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? नीना ने फौरन कहा, देख, तू श्रीनाथ नाम के आदमी के लिए काम कर रही थी तो तभी मॉम ने ऐसे ही रिएक्ट किया था, उन्हें वो आदमी भी पसंद नहीं है, जबकि उसका रीजन क्या है ये मॉम कभी नहीं बताती। लेकिन तू उस दिन श्रीनाथ के उस जमीन पर गई थी ना, तो तेरे जाने के बाद मॉम डैड की तस्वीर को देखकर कुछ बड़बड़ा रही थी और उसी से मैंने ये अंदाजा लगाया कि डैड और श्रीनाथ में कोई कनेक्शन जरूर होगा। नीना के इस एनालिसिस से प्रिया अब सरप्राइज्ड थी। उसने मन ही मन कहा, ऐसा हो सकता है, मॉम सिर्फ उन्हीं बातों पर इस तरह से रिएक्ट करती हैं जो डैड से जुड़ी हैं, तो उस हिसाब से इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ईला मैम किसी तरह से डैड और श्रीनाथ से कनेक्टेड हो। लेकिन फिर प्रिया के दिमाग में ये बात पूरी तरह से फिट नहीं हो रही थी। उसने कहा, हालांकि हम उस वक्त बहुत छोटे थे नीना, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि तब ईला मैम की डैड से भी कोई मुलाकात हुई हो या नहीं। आई डोंट नो, इवन उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि डैड अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो कई साल पहले ये शहर छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन ये बात कहते कहते प्रिया के दिमाग में एक धमाका सा हुआ। उसे फौरन ईला मैम के साथ हुई अपनी वो मुलाकात याद आ गई। उसे याद आया कि जब उसने ईला मैम को डैड के बारे में बताया था तब उन्होंने अफसोस जाहिर तो किया था, लेकिन उसे ये भी लग रहा था जैसे ईला मैम को डैड की डेथ के बारे में पहले से पता हो। नीना ने प्रिया को टोका, क्या हुआ प्रिया, क्या सोचने लगी तू? उसने एकदम से खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, अरे नहीं नीना, ऐसी कोई खास बात नहीं है। जबकि हकीकत ये थी कि अब प्रिया के दिमाग में ईला मैम को लेकर एक शक पैदा होने लगा था। आज की मुलाकात में ईला मैम वैसे तो बहुत खुश लग रही थी, लेकिन प्रिया ने गौर किया था कि वो बीच बीच में थोड़ा बेचैन भी हो रही थी और बार बार चोर नजरों से इधर उधर देख भी रही थी, जैसे कोई उन पर नजर तो नहीं रख रहा है। प्रिया के दिमाग में अब एक के बाद एक सवालों की झड़ी लग रही थी। आखिर ईला मैम ऐसे क्यों कह रही थी, और फिर वो अचानक ये कहकर चली गई कि उन्हें एक जरूरी काम याद आ गया। यानी मॉम का कहना एक हद तक सच हो सकता है, ईला मैम के बारे में कुछ तो ऐसा है जो रहस्यमय है। और अचानक प्रिया के दिमाग में एक इससे भी बड़ा सवाल पैदा हुआ, आदित्य के डैडी, मैं उनके बारे में तो बिल्कुल भूल गई, उनका अचानक से इस तरह नजर आना, इसका क्या रीजन हो सकता है? मैंने उन्हें आवाज भी लगाई लेकिन उन्होंने नहीं सुना, क्या वाकई उन्होंने नहीं सुना था या जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया? जब मैं उनके पीछे दौड़ी तो अचानक ईला मैम आ गई, मेरा ध्यान भटक गया और इसी बीच आदित्य के डैडी वहां से गुम हो गए। ये सोचते सोचते प्रिया का दिमाग उलझ गया। उसके दिमाग में फिर से एक नया सवाल पैदा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईला मैम का अचानक इस तरह से आना, मेरा ध्यान भटक जाना और उसी वक्त आदित्य के डैडी का भीड़ में गुम हो जाना, इन सब में भी कोई कनेक्शन हो? प्रिया को ऐसा लगा जैसे वो इन सवालों के जाल में बुरी तरह से उलझती जा रही थी। उसने मन ही मन सोचा, एक बार फिर से
एक नए सिरे से सब कुछ पता लगाना होगा, डैड के बारे में, आदि के बारे में, उसके पेरेंट्स के बारे में, श्रीनाथ के बारे में। इसी के साथ उसे अपने डैड की वो डायरी याद आई जिसमें उसने श्रीनाथ का नाम लिखा हुआ देखा था और उनके नाम के आगे एक लाल क्रॉस का निशान लगा हुआ था। वो डायरी माँ की अलमारी में रखी हुई थी। प्रिया ने मन ही मन डिसाइड किया कि आज रात को वो माँ के रूम से वो डायरी चुरा लेगी और पूरी डिटेल्स में उनकी स्टडी करेगी, क्योंकि इन सवालों के जवाब अब उसे उसी डायरी में मिलेंगे। हालांकि प्रिया अपनी इन नई उलझन में उस शैतान और उस बच्चे को कुछ पल के लिए भुला बैठी थी, लेकिन उन्होंने प्रिया को जरा भी नहीं भुलाया था। अपनी उस काली दुनिया में मौजूद शैतान इस वक्त अपने गुलामों के सामने खड़ा हुआ था, बच्चा भी शैतान के पास ही खड़ा था। आज उसकी आंखों की चमक देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शायद उसकी कोई मुंह मांगी मुराद पूरी होने वाली है। शैतान की लाठी पर लगा हुआ वो तिकोना निशान आज कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। उसने लाठी को ऊपर उठाते हुए कहा, गुलामों, अब वो दिन आ गया है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था और जिसके लिए मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाया था। ये बच्चा दो अलग अलग दुनिया की ताकत अपने वजूद में छुपाए हुए है और आज का दिन खत्म होने से पहले ये अपनी उस उम्र को पा लेगा जो इसके लिए तय की गई थी, और फिर होगी तबाही जिसके लिए सब बेकरार हैं। इस बात पर सारे गुलाम ऊंची आवाज में शैतान की जय जयकार करने लगे। ये देखकर बच्चे का चेहरा खुशी से दमकने लगा। शैतान ने आके कहा, आज अपनी ये उम्र पूरी कर लेने के बाद ये बच्चा तुम्हारा नया मालिक होगा, इसकी अपनी सत्ता होगी और हम इसी तरह इस संसार की अलग अलग दुनिया में अपनी अलग अलग सत्ता कायम करते रहेंगे। जल्द ही एक और नया बच्चा इंसानों की दुनिया में जन्म लेगा, तब हमारी ताकत दुगनी हो जाएगी और ये बच्चा हम अपनी दुश्मन प्रिया की दोस्त पायल के जरिए हासिल करेंगे। उसका वक्त अब जल्द ही आने वाला है। इसी के साथ शैतान अपनी लाठी को जोर से जमीन पर मारते हुए चिल्लाए, जाओ संसार की अलग अलग दुनिया में फैल जाओ और मेरे इशारे का इंतजार करो। उसकी लाठी जैसे ही जमीन से टकराई वैसे ही वहाँ मौजूद सारे गुलाम काली रेत में तब्दील होकर बिखर गए। इसके बाद शैतान ने अपनी लाठी बच्चे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आज के बाद मेरी शैतानी लाठी के मालिक तुम बनोगे, जरा छू कर देखो इसे। बच्चे ने खुशी से खिलखिलाते हुए अपना हाथ लाठी की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसे एक तेज झटका लगा और वो फौरन पीछे हट गया। शैतान ने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ? बच्चा घबराता हुआ बोला, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरी ताकत अचानक रुक गई है। मैं इस लाठी को छू भी नहीं पा रहा और मैं अपनी उम्र को महसूस नहीं कर पा रहा। ये सुनकर शैतान ने फौरन बच्चे की आंखों में देखा। उसे वहां कुछ ऐसा दिखाई दिया कि वो गुस्से से गुर्राते हुए बोला, हमारे साथ उस प्रिया ने बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके बाद उसने जोर से दहाड़ते हुए कहा, अब मैं प्रिया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज इसे मरना होगा। शैतान की ये दहाड़ उस काली दुनिया में दूर दूर तक गूंज गई। रात जब काफी बीत गई तो प्रिया चुपचाप अपने कमरे से निकलकर माँ के कमरे में एंटर हुई। माँ कभी भी अपने बेडरूम को अंदर से लॉक नहीं करती थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और माँ बहुत गहरी नींद में सो रही थी। वैसे भी वे काफी दिनों से नींद की गोलियां ले रही थी, तो प्रिया को इस बात की तसल्ली थी कि माँ की नींद नहीं खुलेगी। उसने उस कमरे के ड्रॉअर में से अलमारी की चाबियां निकाली और बिना कोई आवाज किए बहुत ही सावधानी से अलमारी का लॉक खोलने लगी। अलमारी में एक छोटा सा लॉकर था और माँ उस डायरी को उसी लॉकर में रखा करती थी। प्रिया ने लॉकर खोला, वहां बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और फाइल पड़े हुए थे, लेकिन वो डायरी वहां नहीं थी। प्रिया को बहुत हैरानी हुई, वो जल्दी जल्दी अपने फोन की फ्लैश लाइट से पूरी अलमारी की तलाशी लेने लगी, लेकिन उसे वो डायरी कहीं नहीं मिली। प्रिया को समझ आ गया कि माँ ने वो डायरी किसी दूसरी जगह पर छुपा दी है। उसने बहुत ही निराशा के साथ अलमारी बंद की और चुपचाप माँ के कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी और वो चौंक गई। अलमारी के पास नीचे फर्श पर एक कागज पड़ा हुआ था।
ये जरूर मॉम की अलमारी में से गिरा होगा। ये सोचते हुए प्रिया ने वो कागज उठा लिया। उसने देखा कि कागज पर कुछ लिखा हुआ है जो उसे जरा भी समझ नहीं आया। उसने कागज को पलट कर देखा तो उसे पता चला कि वो कोई कागज नहीं बल्कि एक फोटोग्राफ था, एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ जो इतना पुराना था कि उसमें सब कुछ बहुत धुंधला सा दिखाई दे रहा था। प्रिया ने फौरन वो फोटोग्राफ अपने पास रखा और माँ के कमरे से बाहर आ गई। प्रिया ने अपने कमरे में आकर लाइट जलाई और उस फोटोग्राफ को बहुत ही गौर से देखने लगी। उसे धुंधले से फोटोग्राफ में एक बहुत पुरानी सी हवेली नजर आ रही थी। इस हवेली को मैंने पहले भी कहीं देखा है, प्रिया ने मन ही मन सोचा। उसे याद आया कि जब सबसे पहली बार उसे उसके बॉस रंजन ने जब श्रीनाथ का प्रोजेक्ट दिया था तो उन्होंने एक पुरानी हवेली का फोटोग्राफ भी दिया था। उसमें जो हवेली थी वो ठीक वैसी ही नजर आ रही थी जैसे कि इस फोटोग्राफ में थी। ये वही श्रीनाथ वाली पुश्तैनी हवेली की फोटोग्राफ है, बस इस फोटोग्राफ को अलग एंगल से खींचा गया है। लेकिन श्रीनाथ की हवेली का फोटोग्राफ मॉम की अलमारी में क्यों है? प्रिया ने अब फौरन फोटोग्राफ को पलट कर देखा। वहां भी धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। प्रिया ने काफी कोशिश की लेकिन उसे वो अक्षर जरा भी समझ नहीं आए। प्रिया ने वो फोटोग्राफ अपने तकिए के नीचे रखी और बिस्तर पर लेट गई। अपनी आंखें बंद करके वो बहुत देर तक श्रीनाथ की हवेली के इसी फोटोग्राफ के बारे में सोचने लगी और धीरे धीरे वो नींद के आगोश में चली गई। उस रात सपने में प्रिया को अपने डैड नजर आए। सपने में प्रिया एक छोटी सी बच्ची थी और उसने अपने डैड की उंगली पकड़ रखी थी, लेकिन डैड दूसरी तरफ से उनकी उंगली पकड़कर एक और बच्चे के साथ थे और ये बच्चा आदित्य था। ये तीनों एक बहुत बड़ी और आलीशान हवेली के आंगन में खड़े हुए थे। प्रिया ने हैरानी से पूछा, डैड ये इतना बड़ा घर किसका है? डैड ने मुस्कुराते हुए कहा, ये घर तुम्हारा है प्रिंसेस। प्रिया ने खुशी से ताली बजाते हुए कहा, वाह डैड, मैं तो इतने बड़े घर में अकेली रहूंगी। डैड ने हंसते हुए कहा, हाँ प्रिंसेस तुम इसी घर में रहोगी, लेकिन अकेले नहीं, आदि भी तुम्हारे साथ यहीं रहेगा। इस पर प्रिया ने फौरन नाराज होते हुए कहा, नहीं डैड, मैं आदि को अपने घर में नहीं रखूंगी, वो मुझे बहुत तंग करता है। डैड की हंसी अब एक ठहाके में बदल गई। उन्होंने कहा, नहीं प्रिंसेस, ऐसा नहीं कहते, आदि ऐसा नहीं करेगा, वो तो हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा और ये घर मैंने तुम्हारे और आदि के लिए ही बनवाया है। तुम दोनों इसमें साथ साथ रहोगे, अपनी एक नई दुनिया बसाओगे। इस पर प्रिया फिर से खुश हो गई और उसने आदित्य का हाथ पकड़ते हुए कहा, आओ आदि, हम अपने नए घर को देखने चलते हैं। आदित्य और प्रिया एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए उस आलीशान हवेली की सीढ़ियों पर दौड़ने लगे। डैड ने पुकारा, प्रिंसेस ध्यान रखना वरना गिर जाओगी। प्रिया ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, आदि है ना मेरी हिफाजत करने के लिए, डैड ये मुझे संभाल लेगा। तभी प्रिया ने देखा कि अचानक उस आलीशान हवेली में काली रेत गिरने लगी। डैड घबराकर चिल्लाए, प्रिंसेस आदि वापस लौट आओ। प्रिया और आदि बुरी तरह से घबरा गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों की दहशत भरी चीख निकल गई, क्योंकि उनके देखते ही देखते प्रिया के डैड काली रेत में बदल कर बिखर गए और इसके बाद प्रिया को वो बच्चा दिखाई दिया और साथ में खड़ा था शैतान। प्रिया जोर से चीखी, डैड। उसने एक झटके से अपनी आंखें खोल दी और आंखें खोलते ही उसके होश फिर से उठ गए, क्योंकि वो शैतान और वो बच्चा सचमुच उसके सामने खड़े हुए थे और इस बार प्रिया की चीख भी नहीं निकल सकी। इस बच्चे ने बुरी तरह से गुस्से से चीखते हुए कहा, धोखेबाज माँ, बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आज मुझे मेरी ताकत महसूस क्यों नहीं हुई? प्रिया उसकी ये बात सुनकर एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन फिर अचानक उसके होंठों पर एक मुस्कान उभर आई। उसने बच्चे से कहा, ओ तो एक शैतान धोखे की बात कर रहा है। बच्चा गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए प्रिया की गर्दन को दबोचने के लिए, लेकिन फिर बहुत ही बेबसी से उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। प्रिया ने ये ताना मारते हुए कहा, रुक क्यों गए, आगे बढ़ो
और मार दो मुझे, मार दो अपनी माँ को। अब शैतान ने प्रिया पर अपनी लाठी तानते हुए कहा, खामोश, तूने हमारा सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। मैं जिस मकसद के लिए इस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आया था वो मकसद बर्बाद हो गया। अब किसी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इस पर बच्चे ने थोड़ी हैरानी के साथ शैतान की तरफ देखा। शैतान ने बच्चे से कहा, हाँ प्रिया, अब हमारे किसी काम की नहीं रह गई और इसे अभी इसी वक्त मारना ही होगा। वैसे भी पायल हमें जल्दी ही एक बच्चा देने वाली है। इतना कहने के साथ ही शैतान ने अपनी लाठी ऊपर उठाई। उस पर लगे तिकोने निशान में से एक तेज लाल रोशनी निकली। बच्चा प्रिया को घूरता हुआ बोला, मुझे अफसोस है माँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी वक्त अब आ चुका है। प्रिया समझ गई कि अब वो शैतान के हाथों से नहीं बच सकेगी। उसने कहा, ठीक है, मुझे अपने मरने का कोई अफसोस नहीं, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने इस दुनिया की तबाही को कुछ वक्त के लिए टाल दिया, और ये तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। लेकिन प्रिया की बात पूरी होने से पहले ही उस शैतान ने अपनी लाठी से प्रिया के सर पर हमला कर दिया। प्रिया के कमरे में लाल रोशनी का तेज विस्फोट हुआ और अगले ही पल वहां गहरा अंधेरा छा गया।